क्लासिफाइड आप लोगों ने प्रॉपर्टी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है कोर्स, उसके अंदर आपने बेस थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कंडीशनल प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है, जस्ट रिव्यू आप करके लेकिन कोर्सेज से आपको रेफरेंस लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस थ्योरम क्या है। बेस थ्योरम क्या कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एन इवेंट ए अकरिंग गिवन इवेंट बी हैव ऑलरेडी अकर्ड। तो अगर हम अपने डेटा की टर्म्स के अंदर बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि ए जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ ए यानी क्लास 1 की अकरेंस की क्या प्रॉपर्टी है जबकि आपको इनपुट पैरामीटर्स x1 x2 x3 x4 जो है वो गिवन है, ठीक है ना। दैट इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है इनटू प्रॉपर्टी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी। हम ये देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन है क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ बी अकरिंग गिवन एविडेंस ए हैव ऑलरेडी अकरिंग। प्रॉपर्टी ऑफ ए क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ ए अकरिंग यानी कि इवेंट ए की अकरेंस की ओवरऑल प्रॉपर्टी क्या है और प्रॉपर्टी बी क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ बी अकरिंग यानी कि इवेंट बी क्या करने की प्रॉपर्टी क्या है। ये सारी टर्म्स आगे जब हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल टीचर्स फीमेल है 8, लेट्स से मेल टीचर है 12, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितने हमारे पास 20 है। स्टूडेंट्स फीमेल 32 है, मेल 48 है, टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने 80। सो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स प्लस स्टूडेंट हमारे पास 100 हो गए, फीमेल टोटल 40 हो गए, मेल टोटल 60 हो गए। वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टीचर बीइंग मेल इफ दिस डेटा इज गिवन, ठीक है। तो जो बेस थ्योरम है वो क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर इंटरसेक्शन मेल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल। तो अगर हम देखेंगे कि टीचर भी है और मेल भी है तो कितने 12 और टोटल टीचर कितने 20% प्रॉबिलिटी के टीचर इज मेल। ओके जी, अगेन अगर हम बेस थ्योरम और इस कंडीशनल प्रॉपर्टी को जो है वो कंबाइन करना चाहे तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी ऑफ इंक्रीमेंट बाय इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ वाई। तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ वाई प्रॉपर्टी ऑफ वाई इंटू प्रॉपर्टी ऑफ एक्स गिवन वाई is equals to property of x intersection y, right? Yes. और अगर मैं इसको ऑर्डर कर दूँ property of y given x, तो property of x intersection y या y intersection x की वैल्यू सेम रहेगी, तो डिवाइड क्या हो जाएगा अगर property of y से डिवाइड हो रहा है तो property of x से डिवाइड हो रहा है, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा property of x x given y property of x sorry y given x ठीक है। अब दोनों जो इक्वेशन है उनकी राइट हैंड टर्म जो है वो राइट हैंड साइड टर्म जो है वो सेम है। दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, दिस इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ वाई इनटू प्रॉपर्टी ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी ऑफ एक्स प्रॉपर्टी ऑफ वाई गिवन एक्स, कर सकता हूँ। और फिर मैं लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी ऑफ y given x into property of x divided by property of y. This is नई equation theorem, नई बेस theorem है। तो conditional property से हमने जो नई बेस theorem है वो हमने derive कर लिया। तो अब आप लोगों ने ये equation जो है वो ध्यान में रखनी है कि property of x given y is equal to property of y given x into property of x divided by property of y। इसको हम अब आगे लेके चलेंगे राइट। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉपर्टी ऑफ x टू y इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ एविडेंस, प्रॉपर्टी ऑफ y इज प्रायर प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ x इज प्रॉपर्टी ऑफ एविडेंस। अच्छा अब हम एक एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, नीचे लिख कर अप कर दूं। यस सर। ओके जी, फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है जो के स्पैनर्स या रेंचर्स
ये बनाती है। आपकी कंपनी के अंदर दो मशीनें लगी हुई हैं जो कि ये पैनल्स बनाती हैं। जो मशीन वर्क पैनल बनाती है उसको एच डी एम एम वर्क कह देते हैं, और जो मशीन एम टू पैनल बनाती है उसको हम एम टू कह देते हैं। लेट्स से व्यू क्या हम कहते हैं कि जी एम वन जो मशीन है वो 30 पैनल्स पर आवर जो है वो बनाती है। जो मशीन एम टू है वो 20 पैनल्स पर आवर जो है वो क्रिएट करती है। तो टोटल अगर दोनों मिला रहे हैं तो आवर में टोटल पैनल्स कितने बना रहे होंगे? 15 बना रहे होंगे। ठीक है, तो लेट्स से व्यू कि वी हैव टू मशीन्स एंड मशीन इज एम वन एंड मशीन एम टू प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि एक जो पैनल मशीन टू ने बनाया है वो डिफेक्टिव है या नहीं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है। वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अगेन हम नई बेस थ्योरम जो अप्लाई कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रॉपर्टी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ बी। इस थ्योरम को हमने जो है वो अप्लाई करना है। तो ये ओके जी, सो मशीन वन प्रोड्यूसेस 30 रेंचेस पर आवर, मशीन टू प्रोड्यूसेस 20 रेंचेस पर आवर, टोटल रेंचेस पर आवर 50 हो गए। और मैं कहूँ कि जी प्रॉपर्टी ऑफ अ रेंच बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय मशीन वन वो कितना हो जाएगा? 30 डिवाइड बाय 50। प्रॉपर्टी ऑफ अ रेंच प्रोड्यूस्ड बाय मशीन टू कितना हो जाएगा? 20 डिवाइड बाय 50 0.4। अच्छा, हमें ये डेटा गिवन है कि आउट ऑफ ऑल द प्रोड्यूस पार्ट्स 1% आर डिफेक्टिव। तो प्रॉपर्टी ऑफ अ रेंच बीइंग डिफेक्टिव इज 1% या 0.01। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि मशीन वन से जितने रेंचेस प्रोड्यूस जो डिफेक्टिव रेंचेस निकाल रहे हैं 50% मशीन वन ने प्रोड्यूस की है, 50% मशीन टू ने प्रोड्यूस की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन वन प्रोड्यूसिंग अ डिफेक्टिव रेंच वो किसकी इक्वल है? 50% या 0.5 की इक्वल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन टू प्रोड्यूसिंग अ डिफेक्टिव एलिमेंट वो किसकी इक्वल है? अगेन 50% के इक्वल है, यानी कि 0.5 के इक्वल है। ये सारे और हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेंच बीइंग डिफेक्टिव इफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन टू। तो अगेन हम अपना बेस थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेंच बीइंग डिफेक्टिव इट इज इफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन टू इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेंच बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय मशीन टू एंड बीइंग डिफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्ट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन टू। ये हमने अपना बेस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दिया। ये प्रॉपर्टी हमें पता है कितनी है? 0.5। ये हमें प्रॉपर्टी पता है कितनी है? 0.01 1%। और ये प्रॉपर्टी हमें पता है प्रॉपर्टी ऑफ मशीन टू 0.4। जस्ट वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू और हमें पता लग गया कि आगे 0.0125 दैट मींस के 1.25%। ठीक है, अब आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ डिफेक्ट गिवन मशीन वन ने जो पैनल प्रोड्यूस किया है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? आपको वैल्यू नीड राइट।
मैच वन डिवेल्प डिफेक्ट इन प्रॉपर्टी ऑफ डिफेक्ट डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ मशीन वन जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कॉन्फिडेंस डेटा इनपुट है तो आप नई इक्वेशन
कॉस्ट वैल्यू अलावा कोई और जो है वो यूज नहीं कर सकते। अगर डिस्क्रीट डेटा हो तो फिर आप मल्टीनोमियल या बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। तो यूजली जब आपके पास टेक्सचुअल डेटा होता है जिसके अंदर लेट्स से आपने बैग ऑफ वर्ड्स क्रिएट किया हुआ है या फ्रीक्वेंसी ऑफ वर्ड्स कैलकुलेट किया हुआ है या आपके पास डिस्क्रीट वैल्यू मौजूद है तो फिर आप मल्टीनोमियल या बाइनोमियल जो है वो यूज कर सकते हैं। हम गॉशियन नेव बेस्ड क्लासिफायर यूज करेंगे। अच्छा सो हम एक एग्जांपल की तरफ आ जाते हैं जिसके जरिए हम ये समझ सकते हैं कि हम ये बेस थ्योरम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं टू क्लासिफाई बिटवीन टू क्लासेस। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इनपुट पैरामीटर्स हैं सैलरी एंड एज। हमें इधर नजर आ रहा है कि जब एज कम है तो सैलरी कम है, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है तो सैलरी बढ़ती जा रही है, जैसा कि आमतौर पर होता है। आउटलायर्स कैन बी देयर। हमें ये डिटरमाइन करना है कि किस बंदे की कितनी एज और सैलरी है, तो क्या वो गाड़ी पर ऑफिस जाता है या पैदल ऑफिस जो है वो जाता है। तो अगर बंदे के एज भी कम है यानी कि वो फिट पार्ट है, सैलरी भी कम है, वो गाड़ी पर तो नहीं जाएगा, वो पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जो है वो जाएगा। और लेट्स से एज ज्यादा है, हेल्थ अच्छी नहीं है, सैलरी भी ज्यादा है, तो बंदा क्या है कौन सी मेहनत करे गाड़ी में जो है वो जाते हैं। तो ये हमें जनरल जो है नजर आ रहा है, लेकिन कीपिंग दैट इन माइंड हमें देखना है कि ये बेंजियन जो नेव क्लासिफायर है वो कोई भी अगर नया डेटा आता है तो उसे क्लास वन या क्लास टू के अंदर कैसे क्लासिफाई करता है। सो वी वांट टू डिटरमाइन गिवन एन इनपुट एक्स वेदर अ पर्सन वॉक्स टू द ऑफिस। और हमें पता है कि अगर हम बेस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वॉक की वैल्यू एक्स है, तो एक्स की वैल्यू वॉक हो जाएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉक्स डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से हम दूसरी प्रॉपर्टी क्या गिवन डेटा एक्स प्रॉपर्टी निकालेंगे वेदर अ पर्सन ड्राइव्स टू द ऑफिस। तो अगेन जब बेस थ्योरम लगाएंगे तो प्रॉपर्टी ड्राइव की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू प्रॉपर्टी एक्स गिवन ड्राइव इनटू प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइव डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, क्योंकि एन ए ये राइट हैंड साइड दोनों का पेयर बनी है, ये वाली और ये वाली। तो आप देख रहे हैं इधर भी प्रॉपर्टी ऑफ एक्स है और इधर भी प्रॉपर्टी ऑफ एक्स है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्स आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मे बी वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। हम सिर्फ ये दोनों वैल्यूज क्या है कैलकुलेट करके इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और कोई एग्जांपल में हम ये प्रॉपर्टी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन क्या है। तो अगेन जो दोनों प्रॉपर्टीज आएंगी उसमें से हम देख लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी बड़ी है, तो उस प्रॉपर्टी उस क्लास के अंदर हम अपने जो इनपुट डेटा या टेस्ट डेटा उसको क्लासिफाई कर देंगे, जैसे कि हम अपनी इस एग्जांपल में देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये गिवन डेटा है एंड वी वांट टू डिटरमाइन वेदर अ पर्सन वॉक्स टू ऑफिस और ड्राइव्स टू ऑफिस। अगर आप देखिए और करें तो हमारे पास 10 सैंपल्स जो है वो है where a person walks to office और 20 samples ऐसे हैं where a person drives to office। तो total number of samples हमारे पास कितने हैं 30। तो ये 30 में से 10 जो है वो walks वाला है, तो probability of walks कितनी हो जाएगी 10 divided by 30, तो 0.3 की हो जाएगी। इसी तरीके से हमने अब ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो इस वाले फॉर्मूले में कैलकुलेट कर ली है। जैसे हमने ये कैलकुलेट करनी है कि गिवन अ पर्सन वॉक्स एंड इनपुट डेटा इन एक्स क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो अब हमने कैलकुलेट करने लगे हैं, तो हम क्या करेंगे इस डेटा के अंदर एक जो आपका जहां पर टेस्ट डेटा आ रहा है लेट्स से यूं कि यहां में आपका टेस्ट डेटा आ रहा है उसके इर्द-गिर्द एक जो है सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल में अगर आप देखें तो ये टोटल 4 पॉइंट्स जो है वो मौजूद है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स टोटल कितनी हो जाएगी कि इसके आसपास कितने पॉइंट आए 4 आए, टोटल कितने में से 30 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितनी होगी 4/30 1/3। अब हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वॉक्स। तो अगेन हम इस सर्कल में देखेंगे कि कितने पॉइंट ऐसे हैं जो कि वॉक कर रहे हैं, 3 वॉक कर रहे हैं, और टोटल वॉक कितनी है 10। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स में वॉक कितनी है 3/10। जस्ट अ वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट
कर रही है, ये वैल्यू 3/10 आ गई है, ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास 10/30 और ये वैल्यू आ गई थी 4/10 वैल्यू से जुड़ कर ली है, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 0.75 में प्रॉपर्टी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, दूसरी 0.25 भी आएगी लेकिन हम भी कंप्यूट कर लेते हैं। तो देयर इज 75% ऑफ चांस कि आपका अगर इनपुट डेटा ये यहां पे लाइक कर रहा है तो ही प्रोबेबली वॉक्स टू द ऑफिस इन कंपैरिजन टू ड्राइव टुवर्ड्स द ऑफिस। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइव given x is equal to property of x given drive into property of drive divided by property of x, property of x already हम 4/30 calculate कर चुके हैं, तो दोबारा हमें calculate करने की जरूरत नहीं है, हमने property of drive और property of x given drive से हम calculate करनी है। property of drive कितनी होगी, total number of samples अगर 30 है 24 property of drive हमारे पास 30 आ जाएगी जी। अब हमने प्रॉपर्टी कैलकुलेट की भी है तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ एक्स गिवन ड्राइव हम हमने कैलकुलेट करनी है वो कितनी होगी, इसके लिए अगेन हम इधर पुश करेंगे। हमें पता है एक इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट ऐसा था जो कि ड्राइव वाला था और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ड्राइव वाले कितने 20, तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्स गिवन ड्राइव इज 1/20। जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो जैसा कि हमें अंदाजा था कि ये 0.25 वैल्यू आएगी तो देयर इज अ 25% चांस दैट गिवन योर इनपुट डेटा दिस पर्सन विल ड्राइव टुवर्ड्स द ऑफिस। सो अगर हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को कंपेयर करेंगे तो हमें हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं जी, बहुत सारी साथ में से बैठ रहा हूं तो हां सर्कल इतना बड़ा भी हो जाए कि वो पूरे डेटा को एनकंपास कर दे और इतना छोटा भी ना हो कि वो आपके टेस्ट डेटा को एनकंपास कर रहा हो, इतना होना चाहिए कि वो आपका कुछ डेटा को भी एनकंपास करे, दैट विल डिपेंड अपॉन द डेटा ये सर्कल कितना बड़ा हो। हां ये आप सबके रिजल्ट्स के ऊपर आ सकते हैं, बड़े कौन से कहीं ग्राफ तक डेवलपर भी हम यूज करें टुवर्ड द थोड़ी नहीं मैथमेटिक्स में था इससे बाद में और क्या होगा। ओके जी क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट नेम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेम, लवली मानी क्या है नेम के जो कि समझता है कि दुनिया में सब लोग बराबर हैं, कोई क्लास सिस्टम मौजूद नहीं है और सबकी जो है एक ही इम्पोर्टेंस है जो कि दुनिया में नहीं है, तो दैट इज माइंड इज फॉर नहीं। नंबर 2 इसका जवाब हम ऑलरेडी दे दें, डू वी नीड टू कैलकुलेट पी ऑफ एक्स, नो वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट पी ऑफ एक्स क्योंकि दोनों प्रॉबिलिटीज को आपने कंपेयर करना है, दोनों साइड पे पी ऑफ एक्स को जो है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाई वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट दिस मोर देन टू फीचर्स। जब मोर देन टू फीचर्स होंगे तब जैसा अभी हमने ग्राफिकली देखा तो आप ग्राफिकली नहीं देख सकते, फिर क्या होगा तो वो हम आगे क्लास के अंदर देखते हैं। और अगर मोर देन टू फीचर्स हैं तो अगेन इसकी कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी बढ़ता जाएगा और फिर हम इसके ऊपर डायमेंशनलिटी इंटरेक्शन वगैरह इससे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको मोर डायग्राम में रोबस्ट बनाने के लिए। तो इंडिपेंडेंट असम्पशन तो वो हमने बात कर ली, फिर हमने पी एफ एक्स की भी बात कर ली और अच्छा अब हम जो है वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड है एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल जिसके अंदर हम नई पेशियन क्लासिफायर यूज करेंगे। सर एक साथ ही पढ़ा दो सर,
एक साथ ही पढ़ा दो, साथ ही पढ़ा दो, तो वैसे किसी साथ में मूव कर रहा है और फिर अभी स्पोर्टिंग भी करनी है, तो घंटा लगेगा एटलीस्ट। ये क्लास भी नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है, CR6 चेक कर लें, लेकिन मैंने चेक किया CR6 फ्री है, तो मेरी क्लास ही है अभी तो कुछ घंटा लग जाएगा तीन कम से कम। ये एग्जांपल पूरी करनी है हमने, उसके बाद रिकॉर्डिंग भी करनी है। दो लेक्चर तीन दो लेक्चर हाँ जी 2:30 में क्या, और आप लोग आ जाओ।